So can we start? Hey, absolutely. Evening, everyone, and warm greetings to all. I, Shruti Sange, and this is volunteer of Saraswati College of Engineering. Welcome you all to this webinar, which is going to provide a valuable insight regarding stray animals. As we all know, stray animals face a severe problem in our country. They don't get proper food as well as treatment when they are injured, which causes the death of the stray animals. So we have with us today someone who selflessly works for stray animals. It is my honor, more than a pleasure, to welcome our guest speaker, Mr. Robin Singh, sir. He is a co-founder of People Farm as well as ex-programmer and hacker in United States Technical Company. So I request Robin Singh, sir, to speak few words. जी, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ या everybody speaks English? तो मैं बताना चाहूंगा पीपल फार्म में हम क्या करते हैं। पीपल फार्म की जब हमने स्थापना करी थी, ये 2000 दिसंबर 2014 की बात है। इंडिया में हम स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम कर रहे थे 2013 फरवरी से। तो कहीं पे हमने रियलाइज किया कि जो हम काम कर रहे थे वो बहुत ही छोटे स्तर पे था, क्योंकि चाहे हम रेस्क्यूज कर रहे हैं, चाहे हम स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, अल्टीमेटली प्रॉब्लम तभी चेंज होगी जब लोगों में बदलाव आएगा। तो पीपल फार्म की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था, ना सिर्फ जानवरों की मदद हो, जो कि हम एक एक करके कर ही रहे हैं, पर उसी के साथ ही साथ लोग इन्वॉल्व हों और इंस्पायर हों। इसीलिए हमने अपना नाम पीपल फार्म भी रखा था। वन ऑफ द रीजंस वाज कि भाई, जैसे पीपल तो एक जगह उगता है पेड़ ना, लेकिन उसके फल दसियों हजारों जगह जाते हैं और फिर वहां पे और पेड़ निकलते हैं। तो पहले ये जो इंस्पिरेशन थी, ये इस माध्यम से थी कि लोग हमारे यहाँ देश विदेश से वॉलंटियर करने आते थे, हमारे साथ ही रहते थे, काम करते थे। लगभग कुछ सालों तक ऐसे चला, लगभग 500 वॉलंटियर हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारे साथ काम किया और उनके जीवन में बहुत बदलाव आए। कईयों ने जो जैसे भारतीय शहरों से थे, तो उन्होंने घर जाके कहा कि चलो भाई, हम सर्दियों में कुत्तों के लिए पायदान रख देंगे, कम से कम उसके पास सोने की जगह हो जाएगी, गर्मियों में पानी का बर्तन रख देंगे। कई लोगों ने कहा कि यार, ये जो समस्या है जानवरों की, ये कुत्तों तक थोड़ा सिर्फ सीमित है, हम अपने खाने को बदल सकते हैं कि भाई, अगर हम चिकन खाते हैं तो हफ्ते में चलो एक दिन कम खा लें, या अगर हम डेयरी, हम वेजिटेरियन है, चलो डेयरी से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि लोगों ने देखा कि यहाँ पे आगे गाय की कितनी बुरी हालत होती है, और ये गाय कोई आसमान से थोड़ा गिरी है, डेयरी वाले छोड़ते हैं। तो पर फिर भी हम बहुत ही कम लोगों तक पहुंच पा रहे थे, तो हमने उसके बाद मीडिया का सहारा लिया। तो अगर आप देखेंगे कि हम यहाँ पे जो लोकल काम करते हैं ऑन ग्राउंड, वो हमारा एक 8 किलोमीटर का दायरा है, जिसके अंदर कोई भी अगर इंजर्ड एनिमल हो तो उसको हम लेके आते हैं, उसका इलाज करते हैं। पर वो एक हमारे पास सीमित जगह है, 50 जानवरों की हमारे पास जगह है। पर उसके अलावा जो हमारी स्टोरी टेलिंग है ना, वो लाखों लोगों तक पहुंचती है, पूरे देश में पहुंचती है, और वहां से बहुत बदलाव आ रहा है। वो लोग जिन्होंने कभी कुत्तों के बारे में सोचा नहीं था, कुत्ते में बारी बारी इसलिए कहता हूँ क्योंकि भाई, स्ट्रे एनिमल्स तो देखने में शहरों में तो कुत्ते ही दिखते हैं, गाँव में कुत्ते और गाय होती है, बाकी तो ये जो हो गए आपके सुअर, बकरे, मुर्गियां, ये तो लोग खा ही जाते हैं, तो ये तो स्ट्रे दिखते नहीं ना। तो वीडियोस के माध्यम से अभी लोगों में बदलाव आया कि यार चलो, इन्हें भी दर्द होता है, इनको खाना दिया जाए, या कईयों ने रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने जो ब्रीड डॉग खरीदना चाहते थे, उनको समझ में आया कि नहीं नहीं ब्रीड डॉग्स खरीदने की वजह से कितनी समस्याएं होती हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई, देसी डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये पीपल फार्म का उद्देश्य था और ये अब तक की कहानी है। इसके अलावा आपके कोई अगर खास सवाल होंगे तो मैं उसमें ज्यादा बातचीत में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, रादर देन कि मैं अपनी मारे जाऊं। थैंक यू सर। आर वॉलंटियर्स हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्ट्रे एनिमल्स, सो आई रिक्वेस्ट वॉलंटियर टू आस्क रिस्पेक्टिवली। हेलो सर। हाय। हाँ सर, आई हैव वन क्वेश्चन। सर, आपको कब ऐसा लगा कि हमें स्ट्रे कुछ करना चाहिए, मतलब आपके मन में ये सवाल कब आया कि कुछ ना कुछ तो हमें स्ट्रे एनिमल्स के लिए करना चाहिए? यार, इसका जवाब थोड़ा लंबा है, चलेगा? हाँ सर, श्योर सर। तो
मैं 2004 में, एक्चुअली नहीं 2003 में अमेरिका हम चले गए थे। तो वहां पे एक कंपनी चला रहा था मैं, टेक कंपनी थी। तो अभी तक तो उद्देश्य सिर्फ ये था कि भाई अपना, मैं बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से था, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि कुछ भी जो खाना पीना हो, खरीदना हो, उसके लिए एक बारी वो ना देखना पड़े भाई, रेस्टोरेंट में जाओ तो मेन्यू में प्राइस ना देखना पड़े और दुकान पे सामान खरीदते हुए एमआरपी ना देखना पड़े। प्लस साथ में एक चीज और थी कि भाई इस सब के लिए बहुत ज्यादा काम भी ना करना पड़े। तो 2003 में कंपनी शुरू करी, 2010 तक वो उस मुकाम पे पहुंच गई जहां पे अपना रहना खाने का खर्चा निकल रहा था और काम भी बहुत ज्यादा, स्पेंड काम भी नहीं करना पड़ता था बहुत ज्यादा, हफ्ते में कुछ चंद घंटे में कंपनी मैनेज हो जाती थी, स्टाफ अच्छा था। तो अब लगा कि यार जो मैं चाहता था अचीव हो गया, पर मैं फिर भी खुश नहीं था। अब सारा दिन मैं और शिवानी हम करते थे भाई कि कहीं खाने चले गए, एक्सबॉक्स खेलते रहे, घूमने चले गए, वेकेशन ले ली, पर फिर भी अंदर से खोखलेपन वाली फीलिंग थी। तो फिर हमने भारत का रुख किया, गया चलो यहाँ जाके वापस चलते हैं, देखते हैं कि कुछ समझ में आता है क्या, क्योंकि अंग्रेज लोग भी इतना जब लॉस्ट फील करते हैं, सब इंडिया आते हैं अपने आप को खोजने, तो हम तो हैं ही यहीं के। तो इस करके इंडिया आए। तो इंडिया आके भी ये बात है, 2011 के शुरू में, 2011 में शुरू में आए। उसके बाद यहाँ पे भी दो तीन गलत टर्न लिए, बीच में हिप्पी बन गया मैं, कुछ उसमें भी मजा नहीं आया। लगा कि भाई बातें हो रही है लव पीस कंपैशन की, तो कुछ नहीं है। फिर जीप खरीदी कि भारत भ्रमण करेंगे, तब भी लगा ये क्या कर रहे हो रॉबिन सिंह, तुम तो तेल फूक के प्रिस्टीन जगहों को प्रदूषित प्रदूषित कर रहे हो। तो ऐसा करते करते 18 महीने बीत गए, लेकिन कोई रास्ता मिला नहीं। फिर मैं ऑरोविल गया, साउथ इंडिया में एक जगह है, वहां पे मुझे एक लेडी मिली लोरेन। वो बूढ़ी थी, बीमार भी थी और गरीब भी थी, फिर भी वो 40 से 60 कुत्तों की मदद कर रही थी खुद ही, और वो रेस्टोरेंट से झूठन इकट्ठा करती थी और उससे वो कुत्तों का पेट भरती थी, और वो उन्हीं कुत्तों के साथ ही रह रही थी। उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी, कुत्ते भौंकते रहते थे, उन्हें नींद भी नहीं आती थी। तो मुझे लगा कि भाई देखो कितना धिक्कार है तुम पे रॉबिन, बचपन में तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम भी बड़े होके डॉग्स की मदद करेंगे, एनिमल्स की मदद करेंगे, तुम बड़े हो गए, तुमने सब कुछ अचीव कर लिया जो तुम्हें चाहिए था, आज भी तुम अभी अपनी खुशी ढूंढ रहे हो और इस औरत के पास कुछ नहीं है और वो फिर भी दूसरों की मदद कर रही है। तो वहां पे लाइफ ने यू टर्न सा लिया गया, रादर देन ट्राइंग टू फाइंड माई हैप्पीनेस आई शुड बी लिविंग अ लाइफ विद पर्पज। और पर्पज मुझे मिल गया कि भाई इन जानवरों की मदद करनी है, क्योंकि साथ ही साथ इन 18 महीनों में मैं एक फिलोसफी पे काम कर रहा था जिसको मैं कहता हूँ सफरिंग फुटप्रिंट। मैं कहता हूँ, लोग कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, मुझे लगता है कि हम कुछ भी करते हैं, मैं बिल्कुल सादा खाना खाता हूँ, मान लो दाल चावल हम खाते हैं, दाल चावल के लिए भी कहीं पे खेत में हल चलेगा, उससे पहले खेत खेत बनाने के लिए पहले जंगल कटते हैं, जंगल कटेगा, किसी का आशियाना छिनेगा, हल चलेगा, उसमें केचुए मरेंगे, सांप चूहे सब मरते हैं, तब जाके दाल चावल उगता है। उसके बाद अगर आप शहर में बैठे हैं, गांव में तो बैठे नहीं, तो वहां तक पहुंचने में पता नहीं कितनी फैक्ट्रियों का इस्तेमाल होता है, कितनी पैकेजिंग का इस्तेमाल होता है, हर चीज प्रदूषण करती है, कोयले के लिए, पेट्रोल के लिए, कितने मतलब प्रिस्टीन जगहों को खराब किया जाता है। तो हमारे दाल चावल खाने के लिए भी इतनी सफरिंग है। तो मुझे लगा कि यार ये इतनी सफरिंग फुटप्रिंट होती है हमारे जीने की, पर तो फिर बंदा जिए ही क्यों? कहने को भाई मैं कहता हूं कि मैं अच्छा इंसान हूं, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं मेरे जीने के पीछे एक सफरिंग की इतनी बड़ी श्रृंखला है, कैसे जिए? तो मुझे लगा कि यार इतनी हम सफरिंग कॉज कर रहे हैं ना, तो जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, जीवन अच्छा काम करना चाहिए। अब अच्छा किसे कहते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं समझ में आया, मुझे बुरा समझ में आ गया कि फिजिकल पेन बुरा है। एब्सोल्युटली, मैं ये नहीं कह रहा इमोशनल पेन बुरा नहीं है, बट फिजिकल पेन आप ना देख सकते हैं, एक केचुए से लेके एक गाय, एक आदमी, औरत, हिंदू, मुसलमान, अमरीकी, भारतीय, हर कोई दर्द से पीछे हटेगा, कोई नहीं चाहता उसको दर्द हो। तो मैं समझ गया दर्द हर कोई अवॉइड करता है, फिजिकल पेन इज एब्सोल्यूट बैड, तो फिजिकल पेन कम करना एब्सोल्यूटली गुड है। ये मेरी फिलोसफी थी, साथ ही साथ मुझे लोरेन मिल गई, तो मुझे समझ में आ गया भाई जानवर हैं ये, स्ट्रेट डॉग, इनका फिजिकल पेन आओ कम करें। तो वो था मूवमेंट। ये बात है अगस्त 2012 की। तो एक बारी रास्ता मिल गया तो अमेरिका वापस गए, वहां पे अपना लाइफ जो थी निपटाई थोड़ी बहुत जितनी निपटा सकते थे, और फिर 2013 फरवरी में भारत आ गए, तब से यहीं पे हूँ मैं भी, मिसेज भी। थैंक यू सर। सर, हाउ कैन वी अवॉइड हेयर फॉल्स ऑफ कैट्स एंड डॉग्स?
ये जो आपके मेडिकल सवाल है ना, हमारे डॉक्टर साहब की तो आज छुट्टी है, पर जो हमारी एनिमल वेलफेयर मैनेजर हैं जो वो हैंडल कर लेंगी, वो 5:30 बजे ज्वाइन करेंगी। मैंने उनको उसी का समय दिया है, वैभव जी ने मुझे जैसा कहा। इज दैट ओके? मतलब 5:30 बजे के बाद हम सारे मेडिकल क्वेश्चंस ले लेंगे। ओके सर, यस सर। किसी और का कोई सवाल है? हेलो या सर, मुझे ये पूछना था, जो डेयरी वाले हैं वो तो गाय को बछड़े को पैदा करके कई बार दूध देने के बाद छोड़ देते हैं, उस पे हम कैसे सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं? यार, अब देखो कई चीजें ना, कई चीजों का कोई समाधान नहीं होता, कई चीजें सिरे से ही गलत होती हैं। अब डेयरी भी इस समय आधुनिक भारत में डेयरी बड़ी मुश्किल है। डेयरी तब तक चलती थी जब भारत में अधिकांश लोग किसानी करते थे, क्योंकि तब और जो कृषि है, जो खेती है, उसका भी आधुनिकरण नहीं हो रखा था। बेसिकली फार्मिंग वॉज एन मॉडर्नाइज, तो बैलों का प्रयोग होता था, तो एक इकोसिस्टम सा बना हुआ था। आज जब किसान गाय को प्रेग्नेंट करता है दूध के लिए, तो उसके पास जब चाहे बछड़ा आता है या बछिया, उसके लिए दोनों ही काम के नहीं है। क्योंकि एक बछिया को जब तक वो 3 साल का करेगा नहीं, वो उसको बेच नहीं सकता। 3 साल तक जितना वो उस पर पैसा खर्चता है, उतना पैसा उसको वापस रिटर्न मिलता नहीं। हाल ही में मैंने एक वीडियो शेयर किया था, एक डेयरी फार्मर का ही बताया हुआ है। और जो बछड़े हैं वो तो वैसे ही किसी काम के नहीं है, क्योंकि अब ट्रैक्टर आ गए हैं, रोटो टिलर्स आ गए हैं, गोबर खाद का भी प्रयोग नहीं होता, यूरिया हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो बछड़ों को मार दिया था। तो डेयरी इज बेसिकली नॉट अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट। और अगर आप एनवायरनमेंट की चिंता करते हैं, अपनी हेल्थ की चिंता करते हैं, या गायों की चिंता करते हैं, तो डेयरी से आपको पीछे हटना होगा। और आपको डेयरी के ऑल्टरनेटिव बहुत हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डेयरी का उपयोग किस लिए होता था। डेयरी का उपयोग था आपके न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट करने के लिए। ये तब की बात है जब डेयरी इंडिया में शुरू हुई, तो बड़ा यहाँ पे भुखमरी सी थी। अब तो हमारे पास इतना खाना है, हम तो इतना खाना अनाज हमारे पास इतना ज्यादा अनाज है, इतने फल फूल हैं, फल हैं, सब्जी हैं, सॉरी, हमें डेयरी की जरूरत नहीं है। पर फिर भी अगर स्वाद के लिए डेयरी की आपको आदत पड़ी हुई है, अभी कॉफी में कॉफी को सफेद करना है, चाय को सफेद करना है, तो बड़े सारे प्लांट बेस्ड मिल्क हैं जो आप खरीद भी सकते हैं, घर पे बना भी सकते हैं। डज दैट मेक सेंस? यस सर। निखिल जी ने पूछा है, सर कैन यू प्लीज टेल सम ऑफ योर रेस्क्यू स्टोरीज। अब यार रेस्क्यू स्टोरीज मैं बताऊंगा बता बड़ी बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा कि मैं क्या कहूंगा। कि जैसे अगर आप हमारे वीकली अपडेट्स देखें ना, उसमें सारे रेस्क्यूज आते हैं, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप है पीपल फार्म के नाम से, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे लास्ट वीक एक डॉग आया, उसके बेचारे की एक आंख निकली हुई है। अभी एक डॉग आया, इस हफ्ते दो एनिमल्स बड़ी बुरी हालत में आए हैं। एक जो डॉग है उसकी तो स्किन पे कोई बाल नहीं है, और उसने खुजा खुजा के जो घाव कर लिया, उस घाव में मक्खियां बैठ गई, मक्खियों ने मैगेट्स पैदा कर दिए। बट अगेन दीज आर वेरी विजुअल थिंग्स। बेहतर होगा कि आप ये वीडियोस देखें हमारे यूट्यूब पे, या हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पे। निखिल जी का ओके आ गया। और किसी का कोई सवाल? हेलो सर। यस मैम, आप कह रही कीजिए। नहीं सर, यू आस्क देन आई आस्क। सर आपने आपने ये तो बता दिया कि आई मीन आपको पर्पस कैसे मिला, इंस्पिरेशन कैसे मिला कि आपको काम करना है, तो आपने शुरुआत कैसे की एंड प्रॉब्लम्स कैसे फेस हुए सेटअप एंड ऑल, एंड आपको किसने सपोर्ट किया, वो सब चीज़ आप शेयर कर सकते हो? श्योर। तो शुरुआत
तो ऐसे हुई कि सबसे पहले तो ये था कि जब पीपल फार्म का भी आइडिया नहीं आया था, जब ये भी आइडिया नहीं आया था ना कि जानवरों की मदद करनी है, मैंने आपको बताया 18 महीने तक मैं भटक रहा था, तो एक और रास्ते में उन्हीं 18 महीने में एक आइडिया आ गया था कि यार मैं ना शहर से दूर रह के अपनी जमीन चाहता हूँ जहां पे हम अपना खाना खुद उगाएं। तो लैंड हंट चल रहा था और ले देके मैंने दो जगहें हमने शॉर्ट लिस्ट करी थी, उत्तराखंड या हिमाचल, क्योंकि हमें था कि भाई अगर दिल्ली से बाहर, भाई अमेरिका से वापस दिल्ली आ गए, अब दिल्ली से बाहर जाना है तो कम से कम हवा पानी साफ हो, तो हवा पानी साफ हो। केरल गया, वहां पे तो हिंदी बोल नहीं रहा था कोई, मुझे हिंदी बहुत प्रिय है, तो मुझे कहा कि यार मुझे लगा कि नहीं भाई ऐसी ही स्टेट होनी चाहिए जहाँ पे हिंदी बोलते हैं लोग। तो वो सब नॉर्थ की आई, नॉर्थ की स्टेट्स में फिर जहाँ पे प्रदूषण भी ना हो ले दे के आया उत्तराखंड और हिमाचल। अब जब पीपल फार्म का आइडिया आया, ये आइडिया आया 2014 के मध्य में, नहीं 2014 के शुरू में आया, तो फिर हिमाचल में हमने कहा कि धर्मशाला जो है टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे बहुत वॉलेंटियर्स आते हैं, एंड इसलिए धर्मशाला के नजदीक हम जगह खोलेंगे, पर धर्मशाला ठंडा इलाका है, तो हमें लगा बीमार जानवर जो है ठंड जो है झेल नहीं पाते, तो थोड़ा गर्म इलाका ढूंढना चाहिए। तो हमने धर्मशाला के नजदीक पर लो ऑल्टीट्यूड वाली जगहें ढूंढनी शुरू करी, करते करते ऐसी जगह भी जहाँ पे रोड भी हो, जहाँ पे गाय के लिए भूसे का ट्रक भी आ सके, वो हमें 2014 के मध्य में मिली और हमने तब जमीन खरीद ली। तब अब जो फार्म मेरा खोलने का प्लान था उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रखे थे, तो आर्थिक समस्या नहीं आई क्योंकि पैसे तो थे जमीन खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए। दिसंबर 2014 में जब हम आए ना, तो हमको लगा कि ओके अब हम घर बनाते हैं, लेकिन ये घर हम इस तरह बनाएंगे कि इसमें जानवरों के लिए भी जगह हो, वॉलंटियर्स के लिए भी जगह हो। तो जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज आता है पैसे का, वो तो इस तरह सॉल्व था कि मैंने घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रखे थे, उसका इस्तेमाल हुआ। जो चैलेंज आया वो ये कि मैंने, या हम तीन लोग थे, मैं, शिवानी और जो, हम तीनों को ही अब ये जो हम करने जा रहे थे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमने इसको भी ट्रीटेड इट लाइक एन एडवेंचर कि यार चलो करना तो ये है ही। क्योंकि जब भी हमारा मनोबल टूटा ना कि यार गांव वाले हमें पसंद नहीं कर रहे, ये हमें अंग्रेज कहते थे गांव में लोग, या कंस्ट्रक्शन समझ नहीं कैसे होगी, तो ये कहाँ फंस गए, ये दिमाग में बहुत बार आती थी बात, पर हमेशा जो फॉल बैक था वो ये था कि ठीक है फंस गए, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, तो कोई आंसर को आता नहीं था, क्या करेंगे, वही घूमेंगे फिरेंगे, एक्सबॉक्स खेलेंगे, वो तो वैसे ही हम रिजेक्ट कर चुके थे जिंदगी। तो इस तरह हमने हर चैलेंज को ओवरकम किया, और वैसे भी अब तो इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, घर बनाना हो, आपके पास वेट नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे करें, तो ऐसे करते कराते हम करते रहे। हमेशा हमने आपको ये बताते हुए कि हमारे पास और कोई चॉइस है ही नहीं सिवाय इसके कि भाई अब ओखली में सर दिया है तो मूसलों से क्या घबराना। तो अगर हम बिल्कुल, और कुछ टेक्निकल स्टेप्स की मैं बात करूं कि ने रेस्क्यू कैसे करना शुरू किया, सबसे पहले हम करते थे ट्रीट ऑन स्ट्रीट कि भाई किसी ने इंजर्ड एनिमल का बताया तो वहां जाके थोड़ा इलाज कर दिया स्कूटी पे, और उन्हीं लोगों को कहा आप जानवरों का ध्यान रखो। फिर जब हमारे पास जगह बन गई तो हम जानवर यहाँ पे ले आते थे, जब केसेस बढ़ गए तो हमने एक वेयर कर लिया, लेकिन ये सब कुछ हम डॉक्यूमेंट करते रहे ताकि ऑनलाइन लोगों को पता लगता रहे कि भाई ये लोग ये चीजें करते हैं, और ग्रेजुअली लोगों ने हमें फिर फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि शुरू में तो हम अपनी जेब से कर रहे थे काम। और तो वो लोगों का ट्रस्ट जो है ना वो बहुत जरूरी है, आपको ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। हम जो भी करते हैं हम बताते हैं, हम जैसे बताते हैं कि देखिए हम सिर्फ 8 किलोमीटर के दायरे में करते हैं, हम एट अ टाइम मैक्सिमम एक्स एनिमल रख सकते हैं, वी आर नॉट अ शेल्टर, हम गौशाला नहीं है, हम प्रो यूथनेजिया, अगर कोई एनिमल सफर कर रहा है तो वी विल यूथनाइज दैट एनिमल रादर देन कि हम दिखाते रहे देखो ये जानवर कितना खराब हालत में है। तो वी कीप इट वेरी ट्रांसपेरेंट, और जो लोग हमारी विचारधारा से, हमारे मत से इत्तेफाक रखते हैं वो फिर हमें सपोर्ट करते हैं। विद दैट आंसर योर क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू। बीच में किसी का चैट सुनीता मैम, वुड यू बोल। लाइक टू आस्क? यस सर। रॉबिन सर, आई वेलकम यू फ्रॉम माय टीम। एक्चुअली मैंने आपका वीडियो बेटर इंडिया पे देखा था, आपने शायद एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, बेटर इंडिया ने आपके जो आपका जो भी काम है उन्होंने शो किया हुआ था, एंड आई वाज नॉट नोइंग कि आप हमारे साथ आज जुड़ेंगे। तो
तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं आपको अभी सामने सुन रही हूँ इंस्टेड ऑफ कि मैंने पहले आपको बैटल इंडिया पे सुना था. तो जैसे आपका जो आपको एक कहते हैं कि हर एक सब में कुछ ना कुछ हुनर होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारे में बेस्ट है क्या, और सबको ये नहीं पता होता है कि लाइफ में उनको करना क्या. आपको आपका गोल मिला, आप इस मामले में फॉर्चुनेट निकले. पर हमारे जैसे ये स्टूडेंट्स हैं, इसमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वाकई में है एनिमल लवर्स कह सकते हैं उनको, बट दे कैन नॉट स्टार्ट यू नो देयर ओन थिंग लाइक यू हैव स्टार्टेड. और आप जैसे हम मेट्रो के हिसाब से अगर बात करना चाहें, व्हेन वी आर इन द मेट्रो सिटी, तो ये बच्चे किस तरीके से इस जो मुहिम आपने चालू करी है उसको ये यहाँ पर रह के आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इनको वो गाइड करेंगे तो शायद ये कुछ फ्यूचर में आपको भी, आप जो कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट कर पाए और यहाँ के जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके लिए भी कुछ कर पाए. मैं आपका जो सवाल है ना, सबसे पहले तो थैंक यू. अच्छा लगा कि आप पहले से मुझे जानते हैं और आज हम रैंडमली मिले. तीन आपका जो सवाल है उसका मैं तीन भागों में जवाब दूंगा. सबसे पहले तो ये कि गोल तो लाइफ का एक ही है, जैसा विवेकानंद जी ने कहा कि भाई सर्व करना, मुझे लगता है यही एक गोल है और इसी से ही आप खुश भी रह सकते हैं. सेकंड बात आ जाती है कि किस तरह वो आपको अच्छा काम करना है, तो उसमें मुझे जो पांच छह तरीके पता है, एक तो देखिए सर्विस हो गया, ठीक है, सर्विस ये हो गया जिसमें आपको आपने क्लिनिक खोल लिया, चाहे आप उसमें इंसानों की मदद कर रहे हैं चाहे जानवरों की, या जैसे मदर टेरेसा जो है कोड़ियों की मदद करती थी, सर्विस हो गया. सेकंड हो गया एजुकेशन, अगर आप बच्चों को एजुकेट करते हैं, यू हेल्प देम बिकम बेटर सिटीजन. आई थिंक यू आर एन एजुकेटर, करेक्ट? यस यार. सी, सो एजुकेशन इज वन ऑफ द वे ऑफ ब्रिंगिंग चेंज. थर्ड इज अवेयरनेस, जब आप लोगों को अवेयर करते हैं कि देखो भाई जानवरों को भी दर्द होता है, लोग बदलते हैं तब भी बहुत ज्यादा मदद होती है. फोर्थ हो गया पॉलिसी चेंज, अगर आप लॉ में चले जाते हैं आप कोई पॉलिसी बदलवा देते हैं. फिफ्थ हो गया इनोवेशन, कि आपने कुछ इनोवेट कर दिया कि अरे वाह ये देखिए, जैसे रिफ्लेक्टिव कॉलर्स बना दिए किसी ने कि यार रात को जो एक्सीडेंट होते हैं वो 10% या 15% कम हो जाएंगे अगर कुत्तों के या गाय के गले में रिफ्लेक्टिव कॉलर्स है. एंड लास्टली हो गया एंटरप्राइज, कि भाई चलो किसी ने एक इन्वेंशन तो कर दी रिफ्लेक्टिव कॉलर की, पर ये रिफ्लेक्टिव कॉलर जब तक सस्ते में भारत के कोने कोने में उपलब्ध नहीं होंगे इसका क्या फायदा. तो ये छह तरीके हैं. Somebody mute their mic. Okay. थर्ड आ गया कि अब आपको कौन सा तरीका इनमें से सूट करता है. तो इसके आपको तीन चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है. सेकंड कि आपकी आपकी एबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं. थर्ड आपकी सर्कमस्टेंसेस आपको क्या अलाउ करते हैं, ठीक है. तो ये जो तीन चीजों का इंटरसेक्शन होगा ना, इससे आप डिसाइड करेंगे कि आप कैसे मदद करें. तो जस्ट बिकॉज हमें सड़क पे एक घायल जानवर दिखा है हम उसकी मदद करना चाहते हैं, दैट इज वेरी लॉपसाइडेड, मतलब वही एक तरीका नहीं है जानवरों की मदद करने का. मे बी देर आर मोर एफिशियंट यूजेस ऑफ योर टाइम. जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं, मेरे को बचपन से कहानियां सुनाने में बहुत इंटरेस्ट था, कभी मौका मिला नहीं, तो दैट इज माई इंटरेस्ट. फिर मेरी एबिलिटी ये है कि मैं अपने विचारों को ठीक से अभिव्यक्त कर लेता हूँ, आई कैन यू नो मैं अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस कर लेता हूँ. एंड जो मेरे सर्कमस्टेंसेज हैं मुझे ये करना अलाउ भी करते हैं, क्योंकि भाई मैं एक एनिमल रेस्क्यू में हूं, तो मुझे एक स्टेज मिला हुआ है जहां पे इतनी सारी कहानियां हैं बताने को. अब यही देखिए ना, मैं दिल्ली के अपने फ्लैट में बैठा होता तो मैं कहां से लाता ये किरदार ही ना होते मेरे पास. तो इन चीजों के इंटरसेक्शन से भाई हमने डिसाइड किया कि रॉबिन सिंह जी वीडियो बना सकते हैं. तो इसी प्रकार हर बच्चे को खुद अपना खोजना होगा. मैं आपको सिर्फ ये एक मेथोडोलॉजी बता सकता हूं, नॉट द एग्जैक्ट स्टेप. Does that make sense? Yes, absolutely. तो अब मैं उनको बुला लेता हूँ जो को, ताकि आपके जो जानवरों संबंधित सवाल हैं वो जवाब दे देंगी. Okay, sir.
ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर यू नो जॉइनिंग. थैंक यू सर. Hi. Moving ahead, to give us medical information regarding stray animals, we have with us Joe, ma'am. Ma'am, you can continue. I don't have an introduction. Oh. Sorry, I'm Joe. I'm the animal welfare manager here at People Farm. So I have a kind of oversight on the animal welfare area, making sure everybody's doing what they're supposed to and animals are all safe and taken care of. My background is in dog training, so I do a little bit of that as well in our videos. I don't know if you guys have seen, but like in our videos, I do a lot of the dog training and like medical help kind of questions that I can answer. We have some questions regarding medical. So I would request volunteers, those who have asked, those who are willing to ask questions, please go ahead. Hello, ma'am. Hi. Ma'am, how do you keep animal calm during vaccination? During vaccination, I actually have a really good technique for this. It's a little hard to explain without an animal, but I can just explain because vaccinations are given subcutaneous. That means under the skin. So it's a really shallow injection and it's not very painful. I think mostly it's just like with humans, it's a little bit psychological. So first, especially if it's a puppy, I just have my hand on their head and I kind of go and I just shake their head. I call it shaking dog brains. It's really like, I wouldn't suggest this with a cat, but with a dog, it works really well. And you just kind of like rub their head, kind of not hard, like obviously you don't want to hurt them, but just enough so that it distracts them. And then whoever's on the other side just gives them a quick vaccine and they don't even notice. Then with an IM injection, it's a bit different. You can like scratch the site. With vaccinations, don't rub the site because that can actually cause the vaccine to leak back out. But if you just rub their head kind of vigorously and make sure that they're distracted, another great technique, if your dog likes peanut butter, just have a little bit of peanut butter on the table, just smear it onto the table. And they're so busy eating the peanut butter, they don't even notice the vaccine. So those are two good tricks. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, how can we avoid hair fall of cats and dogs? Well, hair fall to a certain point is actually really normal. Most animals shed their hair. And twice a year, you'll get kind of a lot of hair coming all at once. That's called, like I call it blowing the coat. It's when they're losing their seasonal hair. So in the winter, they have a nice thick coat. In the summer, they have a lighter, thinner coat. So it's really important for them to be able to shed that hair off so that they don't get too hot in the summer and too cold in the winter. The best thing you can do is just brush it out. Just make sure that you're pulling all of that off of them with a dog brush or a cat brush, and just making sure you're getting all of that coat off. If you have bald patches, that's something else. That can be a number of things. It could be anything from basic dermatitis, which is like a bacterial infection in the skin. It could be mange, which is a parasite, or even something as serious as like a thyroid problem. So that's something that it's best to go to the vet and make sure that you're getting all of those symptoms checked out so that there's not something more serious going on. But just a little bit of hair fall all the time is very normal. Hello, ma'am. Does coronavirus affect dust hair animals? Sorry, I'm not sure I got the question. Does coronavirus affect animals? Is that what you're saying? Oh, yes, ma'am. Okay. I'm actually not 100% sure. I don't want to give you an answer that I'm not sure about. I've heard both things, and I think it's really, like, a year is not that long to be able to tell. I've had some people say that dogs can get it. But as far as any of the reading I've done, I've not seen any of like any veterinarians saying that a dog can get coronavirus. It's mostly just hearsay at this point. So I'm not entirely sure because I don't think that there's enough data collected to be a 100% positive. The one thing is if you have people touching your pet,
Like if someone's petting your dog or your cat and then they have corona and you pet and then you touch your face, then obviously it can pass by contact. But in terms of them getting the infection, I'm not so sure. Okay, ma'am. Thank you. Mm-hmm, thank you. Hello, ma'am. Hello. Hi. I can hear you. Yes, ma'am. As you deal with so many animals on a regular basis, so what is the common health issue which you come across? Means, as you see so many animals, so what are some common health issues that animals encounter? So I'm not sure your last, but it depends on the species. So we have like, I mean, I think network issue here, yeah? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, sorry. is there anything I need to do? Sorry, I'm not 100% sure about this platform. Oh, there we go. Okay. We're good. So sorry, if anyone has another question, you want to go ahead and shoot. So what is the most infectious disease in dogs? Which disease you think is the most? The most contagious disease is parvovirus. That's definitely right up there at the very top. Distemper is a close second. So in terms of passing from dog to dog, those are the two big ones. We do see also a lot of mange, which doesn't as easily pass from dog to dog, but it can. But yeah, parvovirus, I think hands down, is the most deadly and the most contagious that we see. Would be the precautionary measures we can take to... Yeah, there's a few. So there's parvo tests, which sometimes they give false results. So it's not like a 100% sure thing. You don't want to rely 100% on your parvo tests. Also just looking at the symptoms. So if you have especially a young dog, like a puppy coming in with loose motions that are really like black or green and smelly, if you see they're vomiting, they're very lethargic, they're not eating. Sometimes they even in late stages, they get that kind of sucked in stomach look. Because they're just not able to hold anything in their stomachs. Those are really telltale signs of parvo. And it's best to be very careful to keep those away from your other unvaccinated puppies. And even if your puppies have had one or two vaccines, waiting until they're 6 months and have had their full course before exposing them to unknown dogs is really important. Ma'am, can bird flu affect dogs and cats? Bird flu. That I actually don't know either. I don't know about these like major contagious human diseases. I know that they can pass through birds. And I'm not sure, but that's something that I would have to just look online. I'm sure if you Google it, like if you make sure that you're looking at reputable websites, like don't listen to like Quora.com or anything like that, you know. But if you're looking at reputable websites that have like WebMD and things like that that really do their vetting on their information, you might be able to find that information. Okay, thank you, ma'am. Hello, ma'am. Hi. What diet do you recommend it for puppy? Diet for puppies. It depends on their age. Obviously, if they are very young
and they don't have their mother, if they're under 2 months, they need to be on some sort of formula. Unfortunately, there's not really any vegan ones. And that always really like kills me a little bit inside. But the really young ones, they just can't, they simply can't survive on a vegan diet. They need some more nutrients than that. So I use Royal Canin. That's what we ask for donations here. And that's a really high quality puppy formula. There are some recipes online because that can be kind of expensive. There's some recipes online, and I think most of them involve some sort of egg or fish oil. So you have to be comfortable handling that. But they have some good resources, quick, easy things that you can get. I think like suji is in it as well. That's a really common ingredient. So as they get older, you can either switch to puppy kibble or like a homemade diet. But if you're doing a homemade diet, it's really important to be very careful about making sure they have all the nutrients in it, so they're not developing any deficiencies. Any other questions? There we go. Is there any more questions from volunteers? I see some popping up. Somewhere I have read or I have this and this key, giving sweet food to the dogs is not good for their health. Sweets, giving sweets to the dog. Is it true? That's very true. So sweets and sugar, especially things like the stuff that you buy at like market sweets and stuff, and candy especially has xylitol in it, which is actually toxic to dogs. So it's very important not to give them any candies or gums or anything like that. But sugar, I mean, it's bad for us too, right? Like we're not supposed to eat sugar. So it has a very similar effect on dogs and it can make their skin go really bad. They're more likely to get things like mange and bacterial infections in their skin. Again, just like humans, like if I have sugar, I break out like immediately after. So it's quite similar, but because, you know, we have more capacity to choose for ourselves. It's like we sometimes eat sweets and stuff, but with a dog, like they don't have the ability to choose whether or not they want it. They're just kind of like, ooh, yummy. You know, they're not able to think about the fact that it's unhealthy for them. So it's up to us to make sure that we're taking care of them properly. Which food do you think is good for animals, which we buy from the, you know, grocery market, like the food which is ready-made available or which we provide them at home, which you think is good for them? You mean like dog kibble, like something that you buy at market? Actually, the funny thing is I haven't fed dogs kibble in India. I used to feed my dogs back home regular food. And that was just like Nature Valley, I think is what it's called or something like that. Nature's Organic. I can't remember. I bought them like a nicer quality food. So I don't know the brand names so much, but the temptation I think is to go with the cheaper brand because it's like, it's dog food is dog food, right? So you go with the cheaper brand, but those actually are really full of corn, which dogs don't digest corn. It's a filler. So it's not even giving them any nutrients at all. So if you look at the ingredients list, and if the first ingredient is something like corn or grains, it's a low quality dog food and you probably don't want to feed that to your dogs. And it's the same thing with cats. If it has grains in it, your cats aren't going to do as well on that diet. So looking at stuff that has like, you know, kind of the more, like if it's a vegan food, like there's one vegan one that I think Heads Up for Tails sells it. And I can't remember the brand name now, but they have their Dolls and Pulses are really high up on that list in terms of like what the ingredients are. Pedigree is very, very common. In India, we have pedigree very commonly, you know, by everybody who owns these pets. So yeah. They usually get this. Pedigree and Drools both are mostly fillers. So those are the two sort of cheapest companies. It's the same thing with Whiskas for the cat food. The temptation is to go with the cheapest brand because you want to save money. And I totally get that. And obviously like feeding them is better than not feeding them. So you want to give them food, if you can't afford the nicer stuff. But if you're looking at like making sure you're keeping your dog healthy and giving them a nice long life with few health problems, some of the better brands, which are more like,
protein heavy and less corn and filler, and like corn, rice, and that kind of stuff should be lower on the list. It can be there, just low on the list, not top ingredient. Thank you so much. There are some questions popping in the chat box. That is, feeding pet animals the food that we eat, is it harmful for them or not? It depends on the food that you're giving, but if you're just giving them straight off your plate, probably not, because most of us here in India like really spicy food, right? Like we like a lot of garam masala and chilies, and it's like, yum, everyone wants that. So like when you scrape that straight into your dog's bowl, that can cause allergies. It can cause lots of problems for them. They don't handle like the cayenne, the chili, the part of the chili that makes it really spicy. Their digestive systems don't handle that very well. So it's really important not to just hand them what you're eating. If you're making them a prepared food, a lot of it is stuff we eat, like dal, rice, veggies. Again, making sure that you're looking on the internet, making sure that the veggies that you're giving are safe for dogs, because they're not all safe. And, you know, avoiding things like too much garlic and onion, because those can cause skin problems in dogs. And also just making sure that you're having a well-rounded diet. We use a lot of supplements in our food here, and we actually get waste chicken from a butcher. So he just throws that chicken away. So it's waste already. So we're not contributing to the industry of like chickens for meat. But then, you know, our dogs are still getting that whole rounded nutrients that they get from the meat. So, but it's important not to just feed your dogs meat too. You know, make sure you get your veggies in. They like spinach, green beans, pumpkin is really good for them, sweet potatoes and carrots. All of the orange veggies are really good for them. And just avoiding things like, you know, karela and like the really like kind of more intense veggies. But we even add haldi, like just a pinch, into our dog's food, particularly in the winter. So there's a lot of things that we eat that they can. You just have to do your research and make sure you're being safe. Okay. Why the nose of dog is always wet? Can you repeat the question? Why the nose of the dog is always wet? Yeah, that actually helps them capture scent. So a dog's nose, like we're actually kind of an unusual species. We have this really short nose and we don't have a very good sense of smell. Dogs have an extreme sense of smell because all of that length is different. Like the places where like the scent particles connect are lined all in there. And the design of their nose, like, you know how they have the little curly part, that all is just for capturing air and scents in their nose. So they're really nose driven. So the wetness kind of helps them catch more of that. And it also kind of like, it's like the inside of your nose is a little wet, right? Like it just helps with keeping dust and stuff out as well. So the dust will catch on that instead of getting stuck right up into their nose where it can irritate them. So it's just to like help them regulate their nose because they're down to the ground sniffing all the time. So they need to make sure they're keeping it clean in there. Okay. Is there more questions from volunteers? Anyone? Yes, Jo. Hello. Yes, ma'am, few days ago, I have been read somewhere that the saliva of dogs is harmful to the men. So is it true? Sorry, I wasn't able to catch that question. I'm going to have to sit really close. Can you repeat that? Yes, ma'am, the question was, some days before, I have been read that the saliva of dogs is harmful for men, I mean, harmful for humans, ma'am. False. The only time that the saliva of a dog is an issue is if that dog has rabies or some other disease that can pass to you, then the saliva of a dog can be an issue. So if a dog, that's why rabies actually passes, right? Because when they bite, they have rabies in their saliva and that gets under your skin. But if it doesn't break the skin, even rabies can't pass unless it breaks the skin. If a dog is kissing you on the arm or on the face, even like it's not a problem at all. Like, at least I can speak from personal experience, 32 years of kissing dogs, never been a problem. Thank you. Yeah.
Ma'am, what does inspire you to be the part of People Farm? Well, it was kind of a gradual process. I think I heard Robin going through his story and like kind of how we came to this. But I've always loved animals. And when I was 16, I saw one of those videos that PETA made, you know, where they like show you the inside of slaughterhouses. And it affected me quite deeply. And I ate meat before that. I was completely non-veg. And then I started the video non-veg and I left the video a vegan. So I was like, I was sold in that video period, like I'm not doing this anymore and I simply can't. And so like, that's always been something that's really, really close to my heart, the plight of animals and watching them struggle. And also just because, especially when I was 16, nobody was vegan. I was very much alone in that. And so it felt very isolating to me to believe in something so passionately and not have anybody around me understand it. My whole family, there is not a single other vegetarian even in my entire family. So I felt very isolated. And I think that's why Rob and I connected so well, was because, you know, he had a very similar philosophy and thought process as I did. And we were both kind of developing it. And then his thought process impacted me quite strongly, as I'm sure you guys can all understand, having seen his videos. It made a huge impact on me watching the philosophy develop and being part of it. And I don't think I looked back since we started working together. I don't think I've ever been like, maybe I don't want to do this. I've been sold, just because I know how important this work is and how few people are doing it. And we really need to have solidarity with each other in that sense, you know, and People Farm is a good rallying point for that. I think Robin's videos are reaching lots of people, and kind of showing them that they're not alone, like the stray dog feeder who is out there every day, who feels very isolated and like nobody cares and that everyone's against them, to have, even from a distance, have someone supporting them and saying, you're doing the right thing and this is important. I think that's huge. Thank you, ma'am. So, is there any more questions? On behalf of everyone present here today, I would like to thank Mr. Robin Singh, sir, and Joe, ma'am, for taking the time from the busy schedule and guiding us and giving us such a wonderful information. And also thanks to our principal, Dr. Manjusha Deshmukh ma'am, deans, HODs and teachers of all the departments, and our beloved PO, Dr. Sunita Pal ma'am, for our immense support and guidance. I request everyone to switch on their cameras so we can take photo. Lastly, thank you everyone for joining with us. We hope you all are benefited from the knowledge and depth of expertise. Thank you everyone and have a great evening. Thank you. Thank you, ma'am. It was good to be here. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Shall we end the meeting?